Hey friends, I'm Shraddha और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ सिंपल से इजी एंड इंटरेस्टिंग किचन ट्रिक्स जो कि हर इंडियन किचन में रेगुलर यूजेस होती हैं। कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते, वेस्ट हो जाती, कुछ यूज़फुल होते हुए भी यूज़ नहीं हो पाती है, तो बस उसी टाइप के ट्रिक्स जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इसे जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई एडवाइस है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पास कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। फर्स्ट ट्रिक हमारा लेमन के लिए है। जनरली लेमन को क्या होता है, हम यूज़ करते हैं अगर हमें आधा नींबू चाहिए, फिर भी हम आधा नींबू या तो हम ना यूज़ करें तो ख़राब हो जाता है या हमें पूरा नींबू यूज़ करना पड़ता है। तो आज मैं एक ट्रिक दे रही हूँ, लेमन को अगर आपको जितना पोर्शन यूज़ करना है उतना आप कट कर लीजिए और ऊपर का छोटा सा पार्ट अलग से कट करिए। जैसे मैंने किया, मुझे बीच की एक स्लाइस लेनी थी, उसको यूज़ करने के बाद मुझे जितने छोड़ने थे मैंने ऊपर का पोर्शन जो कट कर रखा था टॉप उसको वापस से लेमन में लगाया बचे हुए नींबू में और टूथपिक के हेल्प से इसे इस तरीके से फिट कर दिया। तो ये इस ढक भी गया और इसकी फ्रेशनेस बनी रहेगी। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा पानी में डाल के फ्रिज में रखेंगे तो सही रहेगा। चावल में अगर आप रखते हैं उसे तो चावल में जाले पड़ जाते हैं या कीड़े आ जाते हैं, तो चावल को सेफ रखने के लिए इस तरीके से 3 से 4 जितने भी आपकी चावल की क्वांटिटी है उसमें आप सूखे लाल मिर्च खड़े डाल दें जिसकी कहीं से भी वो टूटे या फटे ना हो, और चावल में मिक्स कर दें तो आपका चावल जालों से बचा रहेगा, फ्रेश बना रहेगा, और फिर लिड लगा के उसे रख दें। नेक्स्ट सेमोलिना यानी रवा। रवा में जनरली हम उसको रखते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या जाले, तो रवा को आप स्टोर करने से पहले हल्का सा भून लें। अगर आप थोड़ा सा भून लेते हैं रवा को और उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं, बस जस्ट हल्का सा, उसके बाद अगर आप टाइट कंटेनर में उसे रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो रवा आपका सही फ्रेश बना रहता है। नेक्स्ट हमारी जो गार्लिक होती है यानी लहसुन, जब हम उसे छिलते हैं तो उंगलियों में नाखून में पेन होने लगता है, स्पेशली अगर आप मेरी तरह नेल पेंट लगाएं तो वो छूटने का भी डर रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है लेमन को आप पानी में भिगो के रख दें 5 मिनट के लिए, और आप उसकी चाहें तो कलियां आपस में अलग कर दें और 5 मिनट के लिए भिगो के रख दें। उससे क्या होता है, जब पानी में गार्लिक जो है आपकी यानी लहसुन वो भीगी हुई होती है तो फूल जाती है और जो उसके छिलके होते हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ये हमने लहसुन की कलियां अलग कर दी हैं और इसे 5 मिनट के लिए पानी में इसी तरीके से छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं। देखिए 5 मिनट के बाद, या आप 10 मिनट रख सकते हैं जैसा भी हो, वो और अच्छे से निकल जाएगी आसानी से। तो 5 मिनट बाद हम निकाल रहे हैं, देखिए बिल्कुल मैं जिस हाथ से निकाल रही हूँ उसमें नाखून भी मेरे बड़े नहीं है, ना नाइफ़ की हेल्प ली है मैंने, बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से कलियाँ उससे मैं छिलके जो है छील रही हूँ और फ्रेश एकदम साफ कली निकल रही है लहसुन की, आप देख सकते हैं। ऐसे ही बाकी निकाल लेंगे हम, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से लहसुन छिला जा सकता है। दूध उबालते टाइम बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि गिर ना जाए अगर तेज़ आंच पर है, अगर आप भूल जाते हैं तो पूरा दूध जल के बह जाता है। तो सबसे पहले एक लकड़ी का स्पैचुला लें और उसको रख दें दूध के टॉप पर, और अगर आपका दूध उबल भी रहा है तो वो गिरेगा नहीं, इस तरीके से बैलेंस बना रहेगा, और फिर आप उसे फ्लेम अपना ऑफ कर दें, वो सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम यूज़फुल ट्रिक है। नेक्स्ट हमारा लेमन, आप देख सकते हैं फ्रिज में बहुत दिन रख दो या बाहर तो टाइट हो जाते हैं, उसमें से जूस नहीं निकलता आसानी से। तो इसके लिए आप इस तरीके के लेमन्स को यानी नींबू को थोड़ा सा गर्म पानी में रख दें, थोड़ा सा गर्म पानी में रख के छोड़ दें 2 मिनट के लिए, और उसके बाद अगर आप उसको कट करके जूस निकालेंगे तो बहुत ही नरम हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से नींबू का पूरा रस निकल आता है और वो ख़राब भी नहीं होता। तो ये देखिए पानी में छोड़ने के बाद थोड़ा नरम हो गया है, और कट करके मैं इसके पूरे जूस निकाल लूँगी, बहुत ही आसानी से निकल आएगा जैसे कि फ्रेश नींबू में निकल आता है। ये देखिए ये सारा जूस मैंने इसका निकाल लिया, ये पूरा जूस हमें नींबू का मिल गया। अब इसके सीड्स मैं रिमूव करके किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। चॉकलेट
जो ग्रेटिंग होती है चॉकलेट की पाउडर या चॉकलेट चिप्स जो होती है, वो इस तरीके से आप एक पिलर यानी जो छिलनी होती है, हर घर में आलू छिलने के लिए मौजूद होती है, तो उस छिलनी की हेल्प से चॉकलेट कंपाउंड लेके बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से चॉकलेट चंक्स निकाल सकते हैं। आप चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी में, चॉकलेट ड्रिंक में डाल के बहुत अच्छे से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो कितनी आसानी से निकल रहा है, जैसे मैं कोई सब्ज़ी छिल रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको किसी भी तरह के ग्रेटर की या किसी भी तरह के अदर गैजेट की ज़रूरत नहीं है, ये हर किचन में मौजूद होता है। तो ये देखिए, ये एकदम बढ़िया से निकल गया। लेमन आइस क्यूब्स, जनरली हम सिंपल सी पानी का आइस क्यूब बनाते हैं, वाटर का। यहाँ पे मैंने नींबू की पानी ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन जेस्ट भी मिला दिया है, और इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आइस क्यूब में डालूंगी, आइस ट्रे में डालूंगी, और थोड़े से लेमन जेस्ट डाल दूंगी, और इसको मैं जमा दूंगी और हमें लेमन आइस क्यूब्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरा चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।